मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत करीब 6 दर्जन लोगों को मोबाइल लौटाया है। साथ ही आधा दर्जन लोगों को चोरी व लूटी बाइक भी सौंप दी गई। इसको लेकर लोगों में काफी खुशी दिख रही थी। लोगों ने पुलिस को धन्यवाद दिया है। बिहार में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस खोए और चोरी हुई मोबाइल को बरामद कर उसके असली हकदारों को सौंप रही है। इसी अभियान के तहत मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 70 मोबाइल बरामद किया है। साथ ही आधा दर्जन चोरी और लूटी गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। सत्यापन के उपरांत सभी मोबाइल और मोटरसाइकिल को उसके मालिक को सौंप दिया गया है। सभी को पुलिस ने फोन के माध्यम से सूचना दिया था। सभी को आज SSP कार्यालय में बुलाया गया। जांच के उपरांत सभी को उनका मोबाइल और बाइक सौंप दिया गया है। इसको लेकर लोगों में काफी खुशी थी। सभी के चेहरे पर साफ साफ मुस्कान दिख रहा था। दरअसल बिहार पुलिस ने लोगों को खोए और चोरी हुए मोबाइल को ढूंढकर उन्हें उनके असली हकदार को वापस सौंपने के लिए एक मुहिम चलाई है। इसी मुहिम का नाम ऑपरेशन मुस्कान है। इसके तहत मोबाइल गिर जाने, चोरी हो जाने या फिर खो जाने पर जिन लोगों ने विभिन्न थानों में सनहा दर्ज कराया था, उन लोगों को मोबाइल बरामद कर दे दिया जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। मैं हूं आपके साथ आदित्य। बिहार पुलिस लगातार इन दिनों विशेष पहल कर रही है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत कुल 70 मोबाइल और 6 गाड़ियों को उनके सही मालिकों के पास लौटाया गया। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के SSP राकेश कुमार क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। सर, ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल लौटाया गया है। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत आज 70 मोबाइल का वितरण किया जा रहा है। ये सारे ऐसे मोबाइल हैं जो व्यक्तियों के कहीं खो गए हैं या गुमशुदा हो गए हैं, जिनकी थाना में स्टेशन डायरी एंट्री कराई गई है। इसके अतिरिक्त 6 मोटरसाइकिल भी हैं जिनको लोगों के बीच में आज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम लगातार हम लोगों का प्रयास है कि चलता रहेगा। हर माह में एक दिन ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करके जो मोबाइल लोगों के खो गए हैं उनको वापस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक मोबाइल नंबर भी हम लोग आज इश्यू कर देंगे देर शाम तक, जिसमें यदि व्यक्ति के जिसके भी मोबाइल खोते हैं वो आवेदन को टाइप करके उस मोबाइल पे अपना व्हाट्सअप करेंगे तो हम लोग उस संज्ञान में लेकर उन मोबाइल को खोज लेंगे। लोगों का फीडबैक अच्छा है और ये आप लोग बेटर तरीके से बता सकते हैं, बट यहाँ जो लोग मौजूद हैं प्रसन्न हैं और उनको अच्छा लग रहा है कि उनकी कोई भी संपत्ति वापस मिल रही है। आज 70 लोगों को लौटाया जा रहा है। 70 कब गायब हुआ था? 25 मई को। कहाँ से गायब हुआ था? मोतीजी से। बहुत खुश हैं? अच्छा अच्छा क्या नाम हुआ? कहाँ पर? कब? 5 महीने में 7 तारीख। हाँ, उसका क्या किए आप? कब उसके बाद फोन गया यहाँ से? क्या बोला गया? आज क्या क्या मिला आपको? मिला मोबाइल मिला है। क्या कहेंगे, उम्मीद था कि मिलेगा वापस। कौन गाड़ी था? क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ हुआ? कितने का गाड़ी था? 1.25 लाख है। काफी खुशी होंगे, किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? अपने थाना मुजफ्फरपुर पुलिस को। अच्छा, किनके द्वारा दिया गया चाबी? कैसे सूचना मिली सर आपकी गाड़ी मिल गई है? सर, सरैया थाना में। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, घर? अच्छा, यहाँ पर। तो आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर के SSP राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने बताया कि दरअसल ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिन लोगों का मोबाइल गुम हो गया था उन लोगों को बरामद कर आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत सभी उनके सही मालिकों के पास लौटा दिया गया, जिसमें कुल 70 मोबाइल और 6 गाड़ी थी जिसको उनके सही मालिक के पास लौटा दिया गया है। जिसको लेकर लगातार जो है जिनकी मोबाइल खोई हुई थी वो लोग बिहार पुलिस को लगातार धन्यवाद दे रहे हैं। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहे हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।